गुड मॉर्निंग आदर स्टूडेंट्स, आज का जो अध्याय है सेकंड, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस अध्याय में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जनजातियाँ क्या है। सबसे पहले हम जनजाति को समझते हैं, लोगों का वह समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यानी लोगों का वह समूह जो उनके रीति रिवाजों, उनकी संस्कृतियों, उनकी परंपराओं से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो आपका जनजाति समूह या जनजातियों में आता है। उसके बाद देखते हैं कि विश्व की जो जनजातियां हैं उनको आप विभाजन, कि वो जनजातियां जो धरातलीय जो प्रदेश हैं उन पे कहां कहां पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जनजातियों का विभाजन। सबसे पहला है आपका ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियां, ऐसे प्रदेश जहां साल भर बर्फ रहती है, जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पे कुछ विशेष जनजातियां पाई जाती है, उन्हें सबसे प्रमुख है एस्किमो जनजाति। उसके बाद दूसरी है सेमोयर्स और तीसरी है याकूट जनजातियां। ये तीनों जनजातियां मुख्य रूप से ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियां हैं। ध्रुवीय पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं उसके आसपास जो जनजातियां पाई जाती है। उसके बाद दूसरी आती है आपकी विषुवत रेखीय संघन वनों में पाई जाने वाली जनजातियां। सबसे पहली है आपकी पिग्मी, दूसरी है सेमान और तीसरी है सकाई जनजाति। ये तीनों जनजातियां विषुवत रेखा के आसपास के जो स्थान है वहां पाई जाती है। इसके बाद तीसरी जो जनजाति है वह है आपकी उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजातियां। उष्ण व शुष्क जो प्रदेश साल भर गर्मी से तपते रहते हैं या साल भर जहाँ पर गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पाई जाती है, ऐसे स्थानों में जनजाति पाई जाती है, वो जनजाति आपकी बुशमैन जनजाति। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के जो शुष्क प्रदेश है वहाँ का जो मरुस्थल है उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, और वहाँ जो है जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद आती है चौथी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण यानी गर्म स्थान, यानी वह स्थान जहाँ साल भर गर्मी रहती है तथा घास के मैदान होते हैं, यानी वहां पर कई प्रकार की घासें होती है, उन घास के मैदानों में जो जनजाति पाई जाती है उनमें प्रमुख है मसाई और बंधू जनजातियां। ये दो जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। इसके बाद आती है पांचवे नंबर पर समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, ऐसे स्थान जहां पर साल भर न तो गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो, समशीतोष्ण यानी समान सा टेम्परेचर हो, समान सा जो वातावरण पाया जाता हो, ऐसे स्थानों पर जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है खिरगिज जनजाति, खिरगिज जनजाति। इसके बाद आती है छठे नंबर पर दुर्गम पहाड़ियों और पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाली जनजातियां, जहां पर ऐसे स्थान जहां पर बहुत ही ज्यादा संघन वन पाए जाते हैं, जहां जाना आसान नहीं हो तथा ऊंचे व पहाड़ी स्थानों पर जो जनजातियां पाई जाती है उनमें प्रमुख है आपकी भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा। ये चार ऐसी प्रमुख जनजातियां हैं जो दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद इस अध्याय में हम देखते हैं कि चार प्रमुख जनजातियों का जो है इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है आपकी एस्किमो, दूसरी है बुशमैन, तीसरी है भारत की भील मीणा जनजातियों का अध्ययन करेंगे। दो जनजातियां भील और गौंड, ये जो है मुख्य रूप से कहां पाई जाती है आपके भारत में, जिससे यहां पर भारत शब्द को भी जोड़ा गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं एस्किमो जनजाति, उसके बाद देखेंगे बुशमैन, फिर भारत की जो भील और गौंड जनजातियों का अध्ययन करेंगे। पहली जनजाति है आपकी एस्किमो जनजाति।
एस्मो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। ये जो जनजाति है ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहाँ साल भर बर्फ होती है, तो वहां पर जो है इनके पास अग्नि यानी आग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए क्या करते हैं अधिकतर सीधे कच्चे मांस का सेवन करते हैं। इसलिए जनजाति के बारे में एक शब्द जुड़ा है कच्चा मांस खाने वाले या वाला। इनका जो निवास क्षेत्र है ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, इनका निवास क्षेत्र है बर्फीले प्रदेशों में जैसे आर्कटिक टंडा प्रदेशों से लेकर अलास्का बेरिंग दलदल तक, ये कुछ प्रदेश हैं जहां पर ये जो जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। जैसे कुछ देशों में है कनाडा ग्रीनलैंड साइबेरिया, इन देशों में भी जो है आपकी ये जनजाति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है या पाई जाती है। इसके बाद आता है शारीरिक बनावट कि इस जनजाति के जो लोग हैं इनकी शारीरिक बनावट कैसी है, ये दिखाई कैसे देते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। चेहरा सपाट व चौड़ा, इनकी जो चेहरे की बनावट होती है वह चौड़ा सपाट होता है। त्वचा का रंग पीलापन युक्त या पीलापन लिए हुए होता है। बाल काले व भद्दे होते हैं। कद मझला होता है। शरीर हस्त पुष्ट और मांसल युक्त होता है। ये कदले मतलब कद से मझले कद के होते हैं तथा इनका जो शरीर है वो हस्त पुष्ट होते हैं। ये स्वभाव से असमुख व बहुत परिश्रमी होते हैं। इसके बाद देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप कि इस टोंडा प्रदेशों में या ठंडे स्थानों पर जो लोग पाए जाते हैं इनके प्रमुख क्रियाकलाप क्या है, इनकी जो क्रियाएं हैं वो क्या है या आर्थिक या अपना जीवन पालन के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। सबसे पहले का आखेट या शिकार करना, आखेट को अपन शिकार करना भी बोल सकते हैं। शिकार करना जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन है कि इन लोगों का जो है जीवन चलाने या जीवन जीने के लिए जो है शिकार करना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है जीविका उपार्जन शब्द जुड़ा गया है। इनकी जो शिकार करने का तरीका है, जो आखेट करने का तरीका है वो दो प्रकार का है, पहला शीतकालीन और दूसरा है वसंतकालीन। दो प्रकार यानी दो ऋतुओं में दो प्रकार अलग तरीके से शिकार करते हैं। शिकार के प्रकार, जो शिकार करने का जो तरीका है वो भी दो प्रकार का है, पहला माओपाक और दूसरा इतुलपाक। इतुलपाक समुद्री तट पर सील मछली का शिकार हार्पून यंत्र से या औजार से जो है ये समुद्र तट पर जो सील मछली उसका शिकार करते हैं। फिर आता है वसंतकालीन शिकार को उत्तोक कहते हैं, जो वसंतकालीन या वसंत ऋतु में जो शिकार करते हैं उसको ये उत्तोक कहते हैं। अब जो है इनके वस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं इनकी जो वस्त्र वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले केरिबो की खाल से, यानी इन लोगों के जो वस्त्र बने होते हैं वो केरिबो मछली की खाल से बने हुए होते हैं। स्त्रियों व पुरुषों के वस्त्र एक समान, यानी जो इस जनजाति के जो लोग हैं स्त्रियों और पुरुष उनके जो वस्त्रों में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक जैसे वस्त्र ही दोनों लोग पहनते हैं। जैसे जर्सी नुमा वस्त्र को तिमिया, एक जर्सी नुमा वस्त्र होता है जिसकी भौहें होती लंबी भौहें होती है, इस वस्त्र को जो है तिमिया कहते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों ही वस्त्र को पहनते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं, जिस सील मछली का शिकार करते हैं उस सील मछली के चमड़े से जो है ये जूते बनाते हैं और उन जूतों को पहनते हैं तथा शिकार के समय उनका प्रयोग करते हैं, तो उन जूतों को जो है कार्मिक कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं घर, घर या मकान। इस जनजाति के जो लोग हैं इनके घर किस प्रकार से बने हुए होते हैं, इनके घर बर्फ के पत्थर के व हड्डी व सील मछली की खाल से बने होते हैं और इस प्रकार के बने हुए घरों को इग्लू, इस प्रकार से बने हुए घरों को इग्लू कहते हैं। ये जो घर हैं इनकी जो गहराई होती है बर्फ के अंदर वो 5 से 6 फीट गहरे होते हैं तथा ऊपर की ओर जो है 3 से 4 फीट ऊपर की ओर बने हुए होते हैं। इसके बाद देखते हैं इनके यंत्र उपकरण कि ये जो लोग हैं अपना जीविकोपार्जन में या उनके पास कौन कौन से यंत्र या उपकरण होते हैं जिसे शिकार करते हैं या शिकार के समय उन यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है कयाक, ये एक प्रकार की चमड़े से बनी हुई नाव होती है जिसकी
पांच से डेढ़ मीटर लंबाई व चौड़ाई होती है, यानी पांच मीटर लंबी व डेढ़ मीटर चौड़ी होती है, एक प्रकार की नाव होती है और यह सील मछली के जो है चमड़ी से बनी हुई होती है। इसके बाद दूसरी है उमियाड, ये भी एक प्रकार की नाव है जो कयाक नाव है उससे थोड़ी बड़ी होती है और ये व्हेल मछली के शिकार के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं हार्पून, ये एक प्रकार का भाला होता है जिसको सील मछली व्हेल मछली के शिकार में प्रयोग किया जाता है। ये एक से 1.2 से लेकर 1.5 मीटर लंबा एक लोहे का हथियार होता है जो भाला नुमा होता है और इसके प्रयोग से जो है ये शिकार सील मछली का शिकार करते हैं। इसके बाद आता है चौथा स्लेज, ये एक प्रकार की गाड़ी होती है पहिए वही, ये पहिए वही गाड़ी होती है जो बर्फ में कुत्तों और रेंडियर द्वारा खींची जाती है, ये कहीं भी अगर इनको आना जाना होता हो तो ये इस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और ये जो गाड़ी है जो ध्रुवीय टंडा प्रदेशों में जो जंतु जानवर पाए जाते हैं रेंडियर और कुत्ते उसके प्रयोग से जो है ये उसको खींचते हैं और एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये जो गाड़ी है स्लेज जो गाड़ी है वो वालरस मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है, यानी जो वालरस मछली है उसकी हड्डियों और उसके चमड़े से इस गाड़ी का निर्माण करते हैं, जो इस गाड़ी का प्रयोग एक स्थान दूसरे स्थान पर आने के लिए किया करते हैं। इस अध्याय में जो है हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा है और अगला जो अध्याय है उसमें जो है अपन बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।